अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये हमारे रूम से बाहर का व्यू है, मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है। आज हम लोग जा रहे हैं झील सैफुल मलूक और वापसी के लिए भी आज हम लोगों ने निकलना है, तो अभी चलते हैं। तो यहाँ पर अजान और उसके मामू रेडी होकर बैठ गए हैं और व्यू को इंजॉय कर रहे हैं। अजहान बिल्ले बिल्लू छोटा सा बिल्लू किधर मगन है? आपने नोजी अपनी आज जख्मी काट ली है? अरवा भी रेडी होगी और यहाँ पर खड़ी होकर व्यू को एंजॉय कर रही है। अभी क्विकली मैं आपको रूम टूर देती हूँ। ये था हमारा रूम। सामान वगैरह सारा मैंने पैक कर लिया है और अभी हम लोग निकलते हैं, क्योंकि 12 बजे से पहले हम लोगों ने चेकआउट करना है। तो हम लोगों ने सोचा है कि सामान जो है वो गाड़ी में रख कर फिर झील सैफुल मलूक के लिए निकलते हैं। होटल से बाहर का व्यू तो कमाल का है और ये था आफाक होटल जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था, और बहुत ही अच्छा होटल है। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ जो थी वो मौजूद थी और ये होटल से सामने का व्यू है। क्या डस्टबिन में आओ आओ, मैं आपके साथ चलती हूँ। वो सामने चलो चलो भी। सामान सारा गाड़ी में रख लिया है हम लोगों ने, और अभी जो है अरवा का थोड़ा सा फ़ोटो शूट करते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं। और ये अरवा जो है ये अपनी मस्तियों में मगन है यहाँ पर, इधर से उसके पोजेज खत्म ही नहीं हो रहे। चाट पे चलो, गुजर जाओ ना साइड से। झील सैफुल मलूक जाने के लिए हम लोगों को यहाँ से जीप करानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर अपनी गाड़ी जो है वो बहुत मुश्किल है जाए, क्योंकि ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से ज़्यादातर जीप से जाती हैं। तो अभी जीप कराते हैं। अभी हम लोगों ने एक जीप वाले से बात की थी तो वो हमसे 5,000 मांग रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उनके साथ बार्गेनिंग करके 3500 पे उनको राज़ी कर लिया है। और अभी हम लोग इस जीप में बैठते हैं और चलते हैं उस साइड से। चले यार, बस ध्यान से आके शूज़ गंदे ना काट लेना। किधर जा रही हो? उसके बाद आप लोग भी नीचे चले जाएंगे सब। ये बाजार नारायण से झील सैफुल का रास्ता 13 किलोमीटर का है, और ये वहाँ पर जाने में हमें तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोड जो है आधी वो ख़राब है, टूटी हुई है, और कुछ रोड जो है वो बनी हुई है, तो ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता और आराम से जाना पड़ता है। ये देखें व्यू कितना प्यारा है, साथ साथ से ये दरिया बहुत ही खूबसूरत सा बह रहा है। Thank you.
के ऊपर आए हुए हैं और ये बहुत सी जीप्स जो हैं ये वापस आ रही हैं, बहुत से टूरिस्ट जो हैं उसे बस पर निकल गए होंगे। हम लोग तो थोड़े से लेट निकले हैं, हमें अभी तकरीबन 11 बज गए हैं इस वक्त और ये देखें कि अभी हम लोग ऊपर की तरफ जाने लगे हैं। रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है यहाँ से और ये ट्रैक काफ़ी मुश्किल लग रहा है। ये देखें वो नीचे जो है नारायण भगवान का गाँव जो है वो नज़र आ रहा है और हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर और हड्डी बस्ती जो है वो एक हो गई है। बादल पकड़ने चलो, जाओ जाके पकड़ लो, जाके पकड़ लो। हाँ मुझे भी पकड़ ले। अच्छा आप मेरे साथ चलो ना, अकेले तो मुझे डर लगता है, मुझे अकेले डर लगता है ना। नहीं मैं नहीं अकेले जाऊंगी, नहीं जाऊँ। देखो उस साइड से देखो, रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और ड्राइवर अंकल बता रहे हैं कि मुकामी लोग अपनी मदद आपके तहत रोड की मरम्मत करते हैं। ये ज़्यादा ना लेकिन गंदी हुई है ना, ये बर्फ़ पड़ी हुई है और काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई हुई है। वाटरफॉल नज़र आ रही है और बादल जो हैं वो भी पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं और ये देखें ये पानी जो है ये साथ साथ गुजर रहा है। आप लोग भी खूबसूरत के व्यू को एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग जो है वो पसंद आएगा और मेरी इतनी मेहनत जो है वो आपको अच्छी लगेगी। ऊपर पहाड़ों से आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, ये देखें बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। जी सामने एक गाड़ी जो है वो ख़राब हुई हुई है, कोई अपनी गाड़ी ऊपर लेके आया हुआ था। ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है तो बेहतर यही है कि जब भी आप लोग ऊपर जीप के लिए आएँ तो आप लोग वहाँ से जीप करा लें, क्योंकि अपनी गाड़ी का एक तो सत्यानाश हो जाता है। रोड सारी टूटी टूटी हुई है और ख़राब भी हो जाती है। ये देखें मैं आपको पास दिखाती हूँ, अभी गाड़ी जो है वो ख़राब हो चुकी है और आप लोग अब इन लोगों ने यहाँ से जीप मंगवाई और ये आप लोग जीप पर बैठ कर जाने लगे हैं।
पहुंच गए हैं और सामने झील जो है वो नजर आ रही है। आज असले धूप नहीं है शाह जी। तो यहाँ पे रश ये देखिए काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होटल वगैरह भी बन गए हैं। ये झील का सारा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है और सामने पहाड़ों के ऊपर बादल हैं वो भी इतने प्यारे लग रहे हैं। अभी हम लोग नीचे चलते हैं और फिर नीचे चल के देखते हैं और बोटिंग वगैरह करते हैं। जी यहाँ पर झील पे ठंड काफ़ी ज़्यादा है और हवा जो है वो भी काफ़ी ठंडी चल रही है, तो मैंने अजहान को जो है वो जैकेट पहना दी है। अजहान, अजहान आप किधर आ गए हो? अजहान आप किधर आ गए हो? सर फोटो बनाए डीएसएलआर में। अभी हम लोग जो है वो बोटिंग करेंगे और बोटिंग के रेट्स यहाँ पर जो है वो काफ़ी हाई हैं। हाफ झील का यहाँ पर 1000 ले रहे हैं और फुल झील का अगर आप लोगों ने चक्कर लगाना है तो ये 3000 ले रहे हैं यहाँ पर। तो अभी ये है कि ये बोट में हम लोग बैठ गए हैं और व्यू जो है वो काफ़ी प्यारा है। यहाँ पर बहुत से लोग ये कैप लेकर फिर रहे होते हैं और ये पहन के आप लोग तस्वीरें बना सकते हैं। अभी हम लोगों ने ये कैप ली है और अभी इसकी पिक्स वगैरह बनाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये कैप, इस पर माशाल्लाह शहजादी लग रही है मेरी बेटी। आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। ठंड काफ़ी ज़्यादा है और अभी यहाँ पर हम लोग बैठे खावा इंजॉय कर रहे हैं और ये भी हम लोग शेयर भी लेने लगे हैं। हम बालाकोट और चलास में जंगलात का ठेका लेते हैं, उधर से काट के लेते हैं। ये बात मैं तो ये कहूँ इधर से लेते हैं, आपको क्या पता इधर से लगते है नहीं लगता, लेकिन नहीं अगर तो जंगली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अल्लाह हाफिज़।